अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चनपटना में 13 नवंबर 2024 को बाईपोल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हम यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए शाही ताज रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हैं, जो बीएम रोड में मौजूद है, बेंगलुरु मैसूर रोड में। ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आइए जानते हैं यहाँ के हजरात से, यहाँ की पब्लिक से, ये क्या कहते हैं, इनका वोट किसको जाएगा। दो बड़े पार्टियाँ हैं, ये कांग्रेस और दूसरी मैत्री सरकार NDA। आपका वोट किसको है और क्यों? हमारा वोट तो शुरू से अभी तक कांग्रेस पे पड़ा है, राजीव गांधी के दौर से। अभी तक किसी को डाले नहीं, इस बार भी इंशाल्लाह कांग्रेस पे पड़ेगा, क्योंकि योगेश्वर ने यहाँ पे बहुत कुछ किया है काम, हम उसके आभारी। लेकिन योगेश्वर तो अभी अभी आए हैं कांग्रेस में। ठीक है, छाव धूप तो आती रहती है ना, ये तो शासन नहीं। आपने कहा था योगेश ने बहुत सारे काम किए हैं, वो उससे पहले वो दूसरी पार्टी में हुआ करते थे। नहीं परवाह नहीं, उससे पहले के बाद भी काम किया है कांग्रेस के दौर में, और जो इंडिपेंडेंट करा तब भी काम किए वो हमारे लिए। हम योगेश्वर के 100% फेवर में। कुमार स्वामी भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं। कुमार स्वामी की बात ऐसी है कि यहाँ जो जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लास्ट टाइम एकजुट होकर उसको जिताए कुमार स्वामी को, उसकी अहमियत नहीं रखी कुमार स्वामी ने। क्यों, क्या कर दिया? डायरेक्ट बोला ना, हमारे मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, हमारे मुसलमान की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया। विश्वास ने बोला कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहता था। भाई जाओ, पार्टी सब पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, सब वो है, कोई भी किसी का नहीं होता सियासत में, मगर ये लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करना था। लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो अभी भी NDA सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, उनको जाके सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, वो उनके मन की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका वोट हाथी के साथ दो रहते हैं, खाने के एक दिखाने के एक। अच्छा अच्छा, हमारा वोट तो पंजा, हाथ का पंजा, कांग्रेस 100%। ओके, आपका वोट किसके लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को वोट करेंगे आप? पक्का। और कांग्रेस जरूर आएगी? पक्का आएगी। आपका वोट किसके लिए? हमारा वोट 100% कांग्रेस, हम शुरू से ही कांग्रेस के लिए, शुरू से कांग्रेस। कांग्रेस में कौन उम्मीदवार है? योगेश्वर। यहाँ पे दूसरे भी हजरात हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका वोट किसके लिए और क्यों? हमारा वोट कांग्रेस को ही पड़ेगा, योगेश्वर को ही जिताएंगे, क्योंकि वो चनपटना का पुराना MLA रह चुके हैं, और थोड़ी वो अनबन होने से चेंज हो गए थे, अब फिर से कांग्रेस को आए हैं। मुसलमान की बात नहीं है इधर, सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको ले कर चलने की पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को ही जिताएंगे, कोई भी हो कांग्रेस को ही जिताएंगे, क्योंकि सबका साथ चलने वाली पार्टी एक ही है। आपका वोट किसके लिए? कांग्रेस के लिए, सीपी योगेश्वर के लिए। सीपी योगेश्वर। ओके, आपका वोट किस पार्टी को? हमारा वोट अब से तो पहले से भी हमें JDS को चलना करेंगे, यह बार भी JDS को वोट करेंगे। यहाँ पर योगेश्वर भी कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर मुसलमान सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस हिसाब से आप JDS को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? JDS को सपोर्ट करने से क्या है, तो हमारे अंदर ही मामला क्या भी नहीं है, योगेश ये पार्टी से वो पार्टी जाते रहते हैं, उसके वास्ते उनका कौन सा भी एक जगह स्टप नहीं है उनका, उसके वास्ते ये बार हमारा वोट JDS को, पहले से भी JDS कुछ कर लेकर हमें वोट चालू करे तो भी JDS से, अभी JDS में छेंगे JDS कुछ वोट भी। पिछली मरतबा जब JDS को जितवाया था, उन्होंने रिजाइन करते हुए मंडिया को चले गए, अब उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी को यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो क्यों चले गए, फिर भी आप क्यों उनको वोट करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे तो मतलब नहीं है, JDS करना क्या वास्ते बोले तो, JDS में क्या है बोले तो, इम्प्रूव करने का, एक नौजवान छोकरे को इम्प्रूव करना। अब कांग्रेस में क्या है बोले तो, पूरे बड़े बड़े बड़के उन्होंने सामने आते रहती, किसी भी पीछे टहलते रहती, अब ये नौजवान छोकरा था क्या भी सामने आना बोले तो, JDS को इम्प्रूवमेंट करना, और JDS सामने आना, छोकरा था नौजवान छोकरा था सामने आकर उनके पोजिशन लेती हैं, क्या भी चीज़ को, हर चीज़ को JDS को सपोर्ट करने का होता है, अपना कांग्रेस में गए तो प्लेस नहीं। लास्ट में एक सवाल, कितने परसेंट वोट JDS को जाने वाले हैं इस मरतबा? कितने परसेंट जाने वाले हैं तो देखने नहीं होता, हमें वर्कर्स हैं, JDS के पहले से भी वर्कर्स हैं, आज भी वर्कर्स ही हैं, JDS को वोट हमारा। थैंक यू। ये बात कांग्रेस को। आपका वोट किसके लिए? कांग्रेस। कुछ हमें कुमार स्वामी कुछ ये कर रहे सो अब कौड़ी कहना, कुमार स्वामी आया था कल, आगो परेशान उन्होंने भी आए थे, काम करती भी हमें, हमने वोट डाला, मेरा बेटा खड़ा है को बोले, हमें क्या बोले, तुम्हें दो
दो साल तो मैं सीएम बने ना, तो मैं चनपटना क्या करेगा। मैं सवाल पूछा, वो सवाल उन्हें क्या बोलेगा, तो अब हमें करती नहीं तो प्रसन्न उनको गले की पट्टी पकड़ को कामांग और को बोली हमें उससे दे दी 4 मिनटों को। मैं जाहिद भैया रहता है कम ना, क्या भी फर्क नहीं है। उन्होंने बड़े कुमार स्वामी का बेटा हमारा चनपटना को MLA बनता को अपना भरोसा है, हमें उनके वास्ते JDS। आपका वोट कौन सी पार्टी और कौन से कैंडिडेट को? वरावत्ता JDS JDS निखिल कुमार स्वामी को। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब उनके जो बाप हैं सेंट्रल मिनिस्टर हैं निखिल कुमार स्वामी जी, तो बहुत सारे काम अच्छे से अच्छे होते हैं। इससे पहले कुमार स्वामी को भी चनपटना की आवाम ने वोट किया था एज ए MLA कैंडिडेट, लेकिन वो चनपटना को छोड़कर मंडिया को चले गए, वहाँ पे MP इलेक्शंस के लिए, और वहाँ पर जीता यहाँ पर रिजाइन देने के लिए। इसकी मेन वजह क्या है, क्यों गए, जाने के बाद भी आप वोट करने के लिए तैयार हैं, क्यों? इसकी वजह यह है कि कुमार स्वामी के बेटे ने निखिल कुमार स्वामी ने मंडिया में खड़कर MP का इलेक्शन हारा था, इसलिए कुमार स्वामी ने मंडिया क्षेत्र को चार्ज करके जो बेटा हारा था वहीं बाप खड़के जीता है। अब वो जो राजीनामे देखो इधर बेटे को खड़ा है, तो अभी प्रॉफिट क्या है मालूम हमारे को मुसलमानों को? अब MP मतलब जहाँ जहाँ पर बेटे हारेंगे वहाँ वहाँ पर कुमार स्वामी वो क्षेत्र को छोड़कर जाके वापस ये क्षेत्र को आकर जिताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं, क्यों इसलिए नहीं जा रहे हैं, जाने की वजह भी बोलता हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो, जाने की वजह भी तो बोलता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। MP इलेक्शन मंडिया में निखिल कुमार स्वामी आ रहे थे, कुमार स्वामी जीते, अब चनपटना में निखिल कुमार स्वामी को जिताने की वजह बोल दे तो ना, पहले इससे पहले भी कुमार स्वामी जीते थे, क्या काम नहीं हुए, अच्छे से अच्छे रोड हुए, मोरी हुए, डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज अच्छे से अच्छे हो गए, और जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फॉर्मेलिटी थी अच्छी से अच्छी, अब फैसिलिटी अब भाई हर बात की यहाँ छः गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले पूरे हमको मंडिया नहीं तो बेंगलोर, मंडिया नहीं तो बेंगलोर लिख को भेजते थे, आज भी तो क्या भी नहीं है ना, हर एक फॉर्मेलिटी आको है। ये हम ना गरीब हो रहा है वास्ते स्कैनिंग को रंदे, शुगर चेकिंग को रंदे, BP को रंदे, कई हर एक बात की सहूलत करको दी ना बोलो, इससे पहले ठीक है तुम्हें बोलो। कांग्रेस हुकूमत ने 5 स्कीमें लगवाई हैं चनपटना के मतलब कर्नाटका के लिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर सब्र तो रखिए। स्कीम जो लेके आए हैं किसके पैसों में? जनता के माइनॉरिटी को मुसलमानों को जो 10,000 करोड़ रुपए सिद्धरामैया ने सैंक्शन किए थे वो पैसा कहाँ है? हमारे पैसों में सबको स्कीम दे रहे हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे सिद्धरामैया साहब माइनॉरिटी के वास्ते वो पैसा कहाँ है आप बोलो, पैसा कहाँ है? आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। अच्छे से अच्छा जानता हूँ, 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के वास्ते सिद्धरामैया जो ने जो सैंक्शन किए थे वो पैसे का तुम्हें हिसाब दे डालो, हम कांग्रेस को वोट कर देंगे। यह कांग्रेस को वोट नहीं देने की वजह दूसरी, CP योगेश्वर ने मुसलमान का वोट की जरूरत नहीं कर माध्यम में बोल गए, नहीं बोल गए? बोल गए हैं, तो उसके बावजूद भी वोट कैसा देना चाहिए तुम बोलो? जब चाहिए इनको वोट ले सकते हैं, जब चाहिए हमारा वोट नहीं चाहिए बोल के बोल सकते हैं क्या? HD कुमार स्वामी मैंने स्वामी में भी ने ऐसा कहा है सलमान का वोट नहीं चाहिए बोल के। एक बात अगर चलो कौन सी भी मीडिया के अंदर HD कुमार स्वामी ने ये बात कहा है तो मेरे पास तुम्हें लगा कर दिखाओ, मैं खुद कांग्रेस को वोट करूंगा। कब कुमार स्वामी ने ये कौन सी माध्यम में कौन से स्टेज पे बोल गए, ये सब आपके बेकार की बमड़ी है, अफवाह फैलानी चाहिए। अब चनपटना के अंदर 28,000 मुसलमान के वोट हैं, बाकायदा बेशक 28,000 मुसलमान के वोट में अभी प्रेजेंट हालत के मुताबिक कितने परसेंट वोट कांग्रेस को जाएंगे, कितने परसेंट वोट JDS मतलब मैत्री सरकार है NDA सरकार को जाएंगे? NDA सरकार हो या कोई सरकार हो, मगर निखिल कुमार स्वामी 4 के बिंडे के निशान से जनता दल से खड़के हैं, जनता दल हमारी पार्टी है। लेकिन आज आर अशोक ने कहा है कि NDA सरकार से निखिल कुमार स्वामी को खड़ा किया है, ये तो बेशक खड़ा है BJP के एक बड़े लीडर। मैंने कब कहा कि नहीं बेशक खड़े हुए हैं, आप लोगों को डर पैदा ये कर दिया है कि निखिल को वोट डालेंगे तो आपको खतरा है। किस बात का खतरा है? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इंडिया के अंदर कितने सालों से प्रधानमंत्री बन गए तुम बोलो? 10 साल, तो अभी तक क्या भी प्रॉब्लम हुआ?
सीपी योगेश्वर मुसलमान के वोट मेरे को नहीं चाहिए करके बोल के भी हम कौन से इससे वोट देना चाहिए, तुम बोलो वोट क्यों देना हो जब हमारे वोट की ज़रूरत नहीं, तो हम वोट कैसा दे सकते हैं? तुम बोल रहे हो कि कुमार स्वामी बोलो, कहाँ बोलो तुम बोलो, कौन सी मीडिया के अंदर कुमार स्वामी मुसलमान के वोट नहीं चाहिए बोल के हैं, तो तुम बोलो। वोट परसेंटेज 40-45% जेडीएस को वोट लेती है हमें मुसलमान के, 40-45% बेशक 40-45% जेडीएस को वोट लेती है। अगरचे इस जगह सीपी योगेश्वर की जगह डीके सूरी होता है तो थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम होती, अब हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि खुद उन्होंने ही कहा था कि मुसलमान के वोट मेरे को नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि डीके सुरेश अगर यहाँ पे कैंडिडेट होते तो बेशक जेडीएस मतलब मैत्री सरकार को प्रॉब्लम होता थोड़े को, लेकिन योगेश्वर तो यहाँ के लोकल हैं रह के क्या कहा था कि मुसलमानों के वोट मेरे को नहीं चाहिए, तो किस वजह से वोट देंगे पहले तुम बोलो। हमारे मुसलमानों को ईदगाह किसने बेचा था तुम बोलो। नमाज पढ़ने की जगह जो वो तक नहीं छोड़ी तो छोड़ेंगे क्या ये, अब ये बोलो वजह तो बोलो भाई, जब हमारे वोट ही नहीं चाहिए तो जो तुम ही बोल रहे हो तो तुम्हारे को वोट किस वजह से देना चाहिए ये बोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे को वोट मत दो, तुम ही बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारा वोट नहीं चाहिए तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो मुसलमान के पास। मैं ये भी कह रहा हूं कि सीपी योगेश्वर की जगह अगर चे डीके सूरी होते तो थोड़ा हमारे को तकलीफ होती जीतने के लिए, अब हमारे को कुछ टेंशन नहीं। अच्छा आपका मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हो कि सीपी योगेश्वर ने कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, किस वक्त कहा और कौन सी पार्टी में थे जब ये सवाल उन्होंने ये जुमला कहा था? ये पूरी जनता और पूरी आवाम जानती है कब कहा था, और बहुत सारे सवाल बात कहे थे, अब मैं बोलना नहीं चाहता क्यों नहीं। अब तो वो कांग्रेस सरकार में है, अभी पार्टी में है, कांग्रेस के जब ये उन्होंने जुमला कहा था उस वक्त कौन सी पार्टी में थे और कौन से टाइम की ये जुमला है? ये जुमला पूरे लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और खूब और बहुत सारी बात कहे थे, अभी मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि खामोशी इख्तियार है। अब सब भी अभी पब्लिक को पहले के तरीके कोई अनपढ़ नहीं, पूरे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। अब मुसलमान पहले अनपढ़ बहुत सारे थे ग्रेजुएट, अब पूरे ग्रेजुएट हैं, पढ़ लिखे हैं, सबको अच्छी बात का ये है। तुम कह रहे हो कि कुमार स्वामी ने कहा था, कुमार स्वामी कहाँ कहाँ था ये बताओ, अगर स्टेटमेंट्स हैं उनके तो बताओ, मेरे सामने लाओ, मैं खुद कांग्रेस को वोट डालूंगा। कांग्रेस को वोट डालेंगे आप? अगर से कुमार स्वामी ने कहा हो तो, कुमार स्वामी ने नहीं कहा है, कहा है तो सीपी योगेश्वर ने कहा है कि मुसलमान के वोट नहीं चाहिए। लास्ट में आखिर सवाल आपके, आपने कहा कि परसेंटेज के मुताबिक 40-45 मुसलमान का वोट गारंटी एनडीए सरकार को जाएगा? हाँ, निखिल कुमार स्वामी को जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जय जेडीएस, जय जेडीएस, जय जेडीएस।